हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और एमएड एग्जामिनेशन। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था उनके रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गए हैं। आज 9 तारीख को 9 नवंबर 2022 प्रेस रिलीज एंड ओएमआर आंसर कीज फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 एलएलएम एंड एमएड। तो इसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें डायरेक्ट जो प्रेस रिलीज है वो प्रेस रिलीज ये रही। और इस प्रेस रिलीज में ये एलएलएम और एमएड के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। इनकी ओमार आंसर कीज जो हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम एलएलएम एंड एमएड निम्नलिखित परीक्षाओं को उनके सम्मुख लिखित कोड के ओएमआर सीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। और ओएमआर की जो वेबसाइट पर देख सकते हैं, यदि किसी छात्र छात्रा को ओएमआर से रिलेटेड कोई आपत्ति है तो वो इस मेल पर CCUOMR2022@gmail पर 12 तारीख तो 12/11/2022 की रात्रि 12 बजे तक भेज सकते हैं, ताकि उनकी जो भी कोई आपत्ति है वो स्वीकार कर ली जाएगी 12/11/2022 की रात्रि 12 बजे तक। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई ओमार सीट से उनको आपत्ति है, यदि कोई प्रश्न और बुकलेट सीरीज का आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, ये गलत हुआ है, तो आप इस वेबसाइट इस ईमेल एड्रेस पे आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी कंसर्न है, आप भेज सकते हैं और अपनी आपत्ति जता सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति में प्रश्न और बुलेट सीरीज अवश्य लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपकी जो ओमार की है वो जरूर लिखना पड़ेगा। और अपनी आपत्ति के समर्थन में अगर कोई आपको पुस्तकीय साक्ष्य है तो अवश्य संलग्न करें। आपत्तियों का निवारण विषय विशेषज्ञों से कराने के बाद संबंधित उत्तर कुंजी अपलोड कर दी जाएगी, तथा संबंधित उत्तर कुंजी में अगर कोई संशोधन नहीं होता है तो यही वाली फाइनल हो जाएगी। तो ये जो है ये रिजल्ट से रिलेटेड है। जो फाइनल ओएमआर सीट है वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है 2022 एलएलएम एमएड का। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए वो यहाँ पे जाके अपना आंसर डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर कीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आंसर कीज़ से रिलेटेड, वो CCUOMR2022@gmail.com पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो OMR से रिलेटेड है डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं एमएड स्टूडेंट्स के लिए। ये PQR और S सीरीज में डायरेक्ट अपलोड करने का ये है कि अगर आप पी पे ये डायरेक्ट है यहाँ पे, अगर आप मैं जूम कर सकता हूँ तो जूम करके भी आप अपना रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये पी सीरीज वालों का था और ये क्यू सीरीज वालों का है। मैं ये इसके लिंक दे दूंगा, इसे अपलोड कर दूंगा इस वेबसाइट पे अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं ये सारे रिजल्ट अपलोड कर दूंगा। तो ये जो रिजल्ट है सीरियल नंबर 1 से लेकर 27 एंड देन 28 से लेकर 44, 45 से लेकर के ये सारे आंसर कीज हैं आपके, ठीक है। तो ये आंसर कीज मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी पी सीरीज के हैं वो यहाँ पे पी सीरीज की आंसर कीज है, क्यू सीरीज की आंसर की और आर और एस की डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से एलएलएम की आंसर कीज यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एलएलएम के आंसर कीज में सारे बुकलेट जो है पी बुकलेट सीरीज पी, बुकलेट सीरीज क्यू, बुकलेट सीरीज आर और एस से संबंधित जो भी 1 से लेकर 100 तक हैं वो सारे आंसर कीज यहाँ पे क्रमवाइज दे रखे हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन है वो ये है और मैंने बता दिया आपको, और जो भी आंसर कीज है वो मैच कर सकते हैं। कुछ भी कंसर्न है इससे रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो मैंने उसके लिए बताया है कि ये जो वेबसाइट है CCSUOMR2022@gmail.com पर जा करके आप अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने फर्दर अपडेट्स के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट है एलएलएम और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लिंक सब्सक्रिप्शन का लिंक दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि समय समय पर आपको अपडेट्स हमारे प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।